नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी लोगों का YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्रोकन टूल व्यू कैसे बनाते हैं, उसका ड्राफ्ट कैसे बनता है, पैक प्लान कैसे बनता है वो देखेंगे। सबसे पहले ब्रोकन टूल व्यू होता क्या है, ये भी एक टूल का डेरिवेटिव है। अभी तक आपने क्या देखा होगा, टूल व्यू में ये एक स्ट्रेट लाइन जाती है, लेकिन अब क्या देखेंगे आप कि ब्रोकन टूल में ये स्ट्रेट लाइन जो है बीच में ब्रेक हो जाती है। इसमें टूल व्यू की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम ब्रोकन टूल व्यू है। तो ये व्यू कैसे बनती है, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी देखते हैं। ब्रोकन टूल व्यू, तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी व्यू बनाई है उसमें सबसे पहले एक एरिया ड्रॉ किया था, उसमें व्यू बनाई थी, फिर ड्राफ्टिंग ऑर्डर, पैक प्लान और डेंटिंग ऑर्डर बनाया था। लेकिन यहाँ पे हम सीधे सीधे व्यू का एरिया ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो पहले देखते हैं, उसके बाद व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी डिसाइड नंबर ऑफ वार्प अप एंड डाउन। तो अभी तक हम कोई भी व्यू बनाते थे तो उसमें कुछ वार्प अप करते थे, कुछ डाउन करते थे। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले वही डिसाइड करना होगा कि हम कितना नंबर ऑफ़ वार्प अप करेंगे और कितना नंबर ऑफ़ वार्प डाउन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एन टी एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एन क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड्स, टी है टेकिंग, एम है मिसिंग। अब ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो हमारे नंबर ऑफ पिक्स को शो करते हैं। ये एक हमने व्यू बनाई हुई है, यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस आपको दिख रही हैं ये नंबर ऑफ पिक्स हैं। और टी जो है टेकिंग, टेकिंग क्या है, ये जो ग्रीन कलर की आपको डायगोनल लाइन दिख रही है ये हमने कितने पिक्स पे लिया हुआ है वो शो करता है, 1 2 3। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 3 हो जाएगी। और एम क्या है, मिसिंग, ये तीन ग्रीन चेक्स आपको दिख रहे हैं, इसके बाद हमने फोर्थ ग्रीन चेक के लिए कितना पिक्स को मिस किया हुआ है वो हो जाता है एम का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने तीन ग्रीन चेक से ड्रॉ किए हैं, फिर उसके बाद दो पिक्स जो है ये देखिए 1 और 2, दो पिक्स को हमने मिस किया है, उसके बाद ग्रीन चेक बनाया है। तो यहाँ पे एम का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा। तो एन टी एम आप समझ गए होंगे, एन नंबर ऑफ थ्रेड्स क्या होता है, टेकिंग क्या होता है, मिसिंग क्या होता है। टेकिंग को आप एंट्रिंग भी बोल सकते हैं और मिसिंग को स्किप भी बोल सकते हैं। क्या है कि यहाँ पे जो दो पिक हम मिस करेंगे या स्किप करेंगे, तो आप इसको स्किप भी बोल सकते हैं। तो अभी इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स के लिए हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है, वार्प अप प्लस वार्प डाउन, मतलब जितना वार्प अप करेंगे और जितना डाउन करेंगे उसको ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ थ्रेड्स कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमने 3 वार्प अप की है, 3 वार्प डाउन की है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ थ्रेड्स कितना पिक यूज हुआ, 6, 3 + 3 = 6 हो जाएगा। तो ये फार्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो एन की वैल्यू आएगी n/2, नंबर ऑफ थ्रेड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टी की वैल्यू आ जाएगी। और ये एम मिसिंग का वैल्यू कैसे आएगा, ये जो हमने टी कैलकुलेट किया है उसमें 1 माइनस कर देंगे तो एम का वैल्यू आ जाएगा। फिर आता है थर्ड, कैलकुलेट एरिया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, n×t/n, मतलब n में ये आपका नंबर ऑफ थ्रेड्स आ जाएगा, t में ये टेकिंग का वैल्यू आ जाएगा और n में फिर से नंबर ऑफ थ्रेड्स आ जाएगा। नंबर ऑफ थ्रेड्स और टेकिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ एंड्स की वैल्यू आ जाएगी और नंबर ऑफ पिक्स की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अभी हम 4-5 कैलकुलेशन देखेंगे, फिर उनकी व्यू बना करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल नंबर 1 लिया है। तो हमने जो पीछे स्टेप दिखाए थे, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें नंबर ऑफ वार्प अप एंड डाउन डिसाइड करना होगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम 2 अप और 2 डाउन करने वाले हैं। तो
एन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 2 + 2 = 4। तो हमारी एन की वैल्यू आ गई। अब टी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एन बाई टू, जो एन की वैल्यू आई है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 / 2 इज इक्वल 2। और m का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो t का वैल्यू आया है उसमें 1 माइनस कर देंगे तो हमारा m का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से m का वैल्यू 1 आ गया। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया का फॉर्मूला है n इंटू टी बाई एन, तो n t n का वैल्यू रख देते हैं तो हमारा एरिया 8/4 आ जाता है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने 3f3 down लिया हुआ है, तो नंबर ऑफ थ्रेड्स का वैल्यू 3 + 3 = 6, टी का वैल्यू 6/2 = 3 और एम का वैल्यू 3 - 1 = 2। और इस तरह से एरिया ये फार्मूले में वैल्यू रख देने पे 18/6 आ जाता है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने 4f4 down लिया हुआ है, तो 4 + 4 = 8 आता है। 8 को 2 से डिवाइड करने पे 4 आएगा, तो t की वैल्यू 4 आ जाएगी, m का वैल्यू 4 - 1 = 3। एरिया के फार्मूले पे ये सारी वैल्यूज रखने पे 32/8 आ जाता है। फोर्थ एग्जांपल है 4f2 down। अभी तक हमने जितना अप लेते थे उतना डाउन ले रहे थे, यहाँ पे हमने थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है, अप एंड डाउन अलग अलग लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 4f2 down ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ थ्रेड्स क्या हुए, 4 + 2 = 6 और टी का वैल्यू 6/2 = 3, एम का वैल्यू 3 - 1 = 2। तो एरिया में वैल्यू रख देने पे 18/6 आ जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने 5f3 down लिया है, इस तरह से एन का वैल्यू आ जाएगा 5 + 3 = 8, टी का वैल्यू आ जाएगा 8/2 = 4, एम का वैल्यू आएगा 4 - 1 = 3। तो एरिया क्या आएगा, 32/8। अब हम व्यू बना करके देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हमने लिया था 2f2 down, तो ये देखिए 2 + 2 = 4 और टी का वैल्यू क्या होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर टी के वैल्यू में 1 माइनस करेंगे तो एम का वैल्यू आ जाएगा। नंबर ऑफ एंड्स के लिए क्या था, एन इंटू टी, तो 4 × 2 = 8। तो हमने एरिया ड्रॉ कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये टेकिंग है 2, तो एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि 2 पिक्स पे हम अप करेंगे। तो टेकिंग का वैल्यू है 2 1 2, ये हो गया। ये देखिए फर्स्ट पिक पे हमने अप किया, सेकंड पिक पे अप किया, उसके बाद क्या है, मिसिंग 1, इसको मिसिंग बोलें या फिर स्किप बोलें एक ही बात होगी। तो मिसिंग 1 मतलब थर्ड पिक हमको मिस करना है, तो थर्ड पिक हम मिस करेंगे, उसके बाद फिर से ये ऐसा ही एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड पिक मिस करके हम फोर्थ पे ड्रॉ करेंगे, अभी ऊपर जगह नहीं हमारे पास तो फिर नीचे से आ जाएंगे, ये हो गया। फर्स्ट पे ड्रॉ किया, अभी फिर से हमें मिसिंग 1, एक पिक जो है मिस करनी है, तो ये पिक मिस करके हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे एक पिक मिस करेंगे, ये ड्रॉ किया। तो ग्रीन कलर से मैंने दिखा दिया हुआ ये एज अ बेस लाइन। अब इसी के ऊपर हम 2f2 down दिखा देंगे, तो ये हो गया 1 2 up हो गया, 2 down हो गया, यहाँ पे 2 up हो गया और ये 2 down हो गया। तो ये हमारी व्यू बन गई है, यहाँ पे हमने 2f2 down दिखा दिया हुआ है। अब आता है ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट वार्प की वर्किंग के लिए हम फर्स्ट हील यूज करेंगे, सेकंड वार्प की वर्किंग के लिए ये फर्स्ट से मैच नहीं कर रही है तो हम सेकंड हील यूज करेंगे, थर्ड वार्प की वर्किंग ये भी फर्स्ट सेकंड से मैच नहीं कर रही है तो हम थर्ड हील यूज करेंगे, और ये फोर्थ वार्प की वर्किंग जो है ये फर्स्ट वाले से मैच कर रही है तो हम फर्स्ट वाली हील यूज करेंगे, और ये फिफ्थ वाली वार्प की वर्किंग जो है ये भी किसी से मैच नहीं कर रही है तो हम फोर्थ हील यूज करेंगे, फिर ये सिक्स्थ वाले वार्प की वर्किंग जो है थर्ड वाले वार्प से मैच कर रही है
हम ये वाली हेड यूज कर लेंगे। फिर ये सेवन्थ वाले वर्ब की वर्किंग जो है इस सेकेंड वाले वर्ब से मैच कर रही है, हम इस सेकेंड वाली हेड यूज करेंगे। और ये एट्थ वाले वर्ब की जो वर्किंग है वो ये फिफ्थ वाले से मैच कर रही है, हम ये फोर्थ वाली हेड यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा ड्राफ्ट भी बन गया है। अब आते हैं पैक प्लान में। पैक प्लान में क्या करेंगे, ये फर्स्ट हेड की हेल्प से फर्स्ट वर्ब की वर्किंग हमें पैक प्लान में दिखानी रहेगी। तो यहाँ पे टू अप टू डाउन है, तो हम टू अप टू डाउन दिखा देते हैं। फिर सेकेंड वाले कॉलम में सेकेंड वाले हेड की हेल्प से सेकेंड वाले वर्ब की वर्किंग दिखानी होगी। यहाँ पे वन डाउन टू अप फिर वन डाउन है, यहाँ पे वन डाउन टू अप वन डाउन दिखाएंगे। फिर ये थर्ड वाले कॉलम में थर्ड वाली हेड की हेल्प से थर्ड वाले वर्ब की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ पे वन अप है टू डाउन है फिर वन अप है, तो वन अप टू डाउन वन अप। फिर फोर्थ वाले कॉलम में फोर्थ वाली हेड की हेल्प से ये फिफ्थ वाले वर्ब की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ पे टू डाउन है टू अप है, तो टू डाउन टू अप दिखा दिया। अब आता है डेंटिंग ऑर्डर। डेंटिंग ऑर्डर हमने अभी तक के व्यू में जैसे बनाया है वैसे ही बनाएंगे, तो ये हो गया। चलिए अब चलते हैं एग्जांपल नंबर टू की तरफ, जहाँ पे हमने थ्री अप थ्री डाउन लिया हुआ है। तो ये है थ्री अप थ्री डाउन, तो थ्री प्लस थ्री इज इक्वल सिक्स हो जाएगा। ये एन की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। एम के वैल्यू के लिए टी में वन माइनस करेंगे तो एम की वैल्यू टू आ जाएगी। और ये नंबर ऑफ एंड्स के लिए एन इंटू टी, तो सिक्स थ्री जाए एटीन आ गया। तो चलिए सबसे पहले टी की वैल्यू थ्री, तो थ्री ये एक डायगोनल लाइन थ्री पिक्स पर ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद मिसिंग टू, दो पिक्स को मिस करेंगे। फिर उसके बाद सिक्स पिक से फिर से डायगोनल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं, ये हो गया, टी की वैल्यू थ्री हो गई। अब दो पिक को मिस करेंगे वन टू, फिर ये सिक्स वाली पिक से डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। फिर जो दो पिक को मिस करेंगे वन टू, फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर से दो पिक को मिस करेंगे, फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे दो पिक मिस करेंगे वन टू, फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर ये दो पिक को मिस करेंगे वन टू, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। अभी हम थ्री अप थ्री डाउन दिखाना है। ये व्यू हमारी बन गई है। अब फिर से आते हैं ड्राफ्ट पे। तो फर्स्ट वार की वर्किंग फर्स्ट हील पे, सेकेंड वार की वर्किंग सेकेंड हील पे, थर्ड वार की वर्किंग थर्ड हील पे, फोर्थ वार की वर्किंग फोर्थ हील पे, फिफ्थ वार की वर्किंग फर्स्ट वाले से मैच कर रही है तो फर्स्ट वाली हील यूज करेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग जो है सेकेंड से मैच कर रही है तो हम सेकेंड वाली हील यूज करेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग जो है किसी से भी मैच नहीं कर रही है तो हम नई हील यूज करेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग जो है ये वाले वार से मैच कर रही है तो हम ये वाली हील यूज कर लेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग जो है फर्स्ट वाले से मैच कर रही है तो हम फर्स्ट वाली हील यूज कर लेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग देखिए किसी भी वार से मैच नहीं कर रही है तो हम नई हील यूज करेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग देखिए इससे मैच कर रही है तो हम ये वाली हील यूज कर लेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग जो है इससे मैच कर रही है तो हम ये वाली हील यूज कर लेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग जो है देखिए थर्ड वाले वार से मैच कर रही है हम थर्ड वाली हील यूज करेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग जो है इससे मैच कर रही है तो हम ये वाली हील यूज करेंगे। ये वाले वार की वर्किंग जो है इससे मैच कर रही है तो ये वाली हील यूज करेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग जो है सेकेंड वाले वार से मैच कर रही है तो हम सेकेंड वाले हील यूज करेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग जो है थर्ड वाले वार से मैच कर रही है तो हम थर्ड वाली हील यूज करेंगे। फिर ये वाले वार की वर्किंग ये वाले से मैच कर रही है तो हम लास्ट वाली हील यूज करेंगे।
तो ये हमारा ड्राफ्ट बन गया है। अब फिर से आते हैं पैक प्लान पे। तो फर्स्ट वाले कॉलम में हमें क्या ड्रॉ करना है, फर्स्ट हील्ड की हेल्प से हम फर्स्ट वाले वार्क की वर्किंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 अप 3 डाउन दिखाया हुआ है, तो हम 3 अप 3 डाउन दिखाएंगे। सेकेंड वाले कॉलम में क्या ड्रॉ करेंगे, सेकेंड वाले हील्ड की हेल्प से हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं और ये वाले वार्क को भी देख सकते हैं। सभी की वर्किंग जो है एक जैसी है, तो हम इतना ज़्यादा दूर ना जा करके हम पास वाले वार्क की वर्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 डाउन है, 3 अप है, फिर 2 डाउन है। तो 1 डाउन 3 अप 2 डाउन। फिर ये थर्ड वाले कॉलम में क्या भरना है यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे 2 डाउन है, 3 अप है, फिर 1 डाउन है। तो 2 डाउन 3 अप 1 डाउन। फिर ये फोर्थ वाले कॉलम में क्या भरना है यहाँ से देख लेते हैं। 2 अप है, 3 डाउन है, फिर 1 अप है। तो हम 2 अप कर रहे हैं, 3 डाउन करें, फिर 1 अप। अब फिफ्थ वाले कॉलम में यहाँ से देख लेते हैं, 1 अप है, 3 डाउन है, 2 अप है। तो 1 अप 3 डाउन 2 अप। सिक्स्थ वाले कॉलम में क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, 3 डाउन है, 3 अप है। तो 3 डाउन 3 अप। तभी डेंटिंग ऑर्डर भर लेते हैं। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है। 3 अप 3 डाउन की हेल्प से हमने एरिया कैलकुलेट किया, फिर टेकिंग का वैल्यू कैलकुलेट किया, मिसिंग का वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने वेव ड्रॉ किया, फिर वेव के अकॉर्डिंग हमने ड्राफ्ट बनाया, फिर ये दोनों के हेल्प से हमने पैक प्लान ड्रॉ किया। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर हमने 4 अप 4 डाउन लिया हुआ है। 4 + 4 8 हो जाता है, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 हो जाएगा, तो टेकिंग का वैल्यू 4 आ जाएगा। फिर 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मिसिंग का वैल्यू 3 आ जाएगा। और नंबर ऑफ एंड्स 8 × 4 = 32। तो यहाँ पे हमने 32/8 का एरिया ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे हम टेकिंग 4 पिक्स पे डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 3 पिक्स को मिस करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। हमने 4 पिक्स पे डायगोनल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, मिसिंग का वैल्यू 3, फिर 3 पिक्स को मिस करेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से एक और डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। फिर यहाँ पे 3 पिक्स को मिस करेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से एक और डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 3 मिस करेंगे, 1 2 3। यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर 3 पिक्स को मिस करेंगे, 1 2 3। यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर 3 पिक्स को मिस करेंगे, 1 2 3। यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। फिर 1 2 3, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। अब इसके ऊपर 4 अप 4 डाउन दिखाना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी तरह से सब 4 अप 4 डाउन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी व्यू बन गई है। अब फिर से आते हैं ड्राफ्ट पे। तो व्यू को देख करके ड्राफ्ट बना लेते हैं फटाफट। ये हो गया। अब ये वाली बात की वर्किंग देखिए, यहाँ समय छोड़िए। तो फर्स्ट वाली हिल, सेकंड वाली ग्राफ, थर्ड वाली बात की वर्किंग, ये वाली बात की वर्किंग इससे मैच करिए, फिर ये वाली बात की वर्किंग इसी से मैच नहीं करिए, तो नई हिल यूज करिए, फिर ये वाली बात की वर्किंग इससे मैच करिए, फिर ये वाली बात की वर्किंग फर्स्ट वाली बात मैच करिए, फर्स्ट वाली हिल, फिर ये वाली बात की वर्किंग सेकंड से मैच करिए, फिर ये वाली बात की वर्किंग किसी से मैच करिए, इसे नई हिल यूज करेंगे, ये वाली बात की वर्किंग इससे मैच करिए, फिर ये वाली हिल, फिर ये वाली बात की वर्किंग इससे मैच करिए, तो ये वाली, फिर ये फर्स्ट से मैच करिए, फर्स्ट हिल, फिर ये वाली बात की किसी से मैच नहीं करिए, नई हिल यूज करेंगे, फिर ये वाली बात की वर्किंग इससे मैच करिए, तो ये वाली हिल, ये वाली बात की वर्किंग जो है इससे मैच करिए, तो ये वाली हिल यूज करेंगे, फिर ये वाली बात की वर्किंग इससे मैच करिए, तो ये होगा। फिर ये वाली बात की वर्किंग देखिए, फोर्थ वाली बात से मैच करिए, तो फोर्थ वाली हिल यूज करेंगे, फिर ये बात की वर्किंग इससे मैच करिए, तो ये लास्ट वाली हिल यूज करेंगे। फिर इसी तरह से भर लेते हैं। ये हो गया, ये हमारा ड्राफ्ट बन गया है। अब ड्राफ्ट और वेव की हेल्प से हम पैक प्लान भर लेते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट वाले कॉलम में क्या भरना है,
फर्स्ट वाले हील्ड की हेल्प से हम फर्स्ट बार की वर्किंग बनेंगे। यहाँ पे फोर अप फोर डाउन है तो हम फोर अप फोर डाउन दिखा देंगे। फिर सेकेंड वाले कॉलम पे सेकेंड वाले हील्ड की हेल्प से ये वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ वन डाउन है, फोर अप है, फिर थ्री डाउन है, तो वन डाउन, फोर अप, थ्री डाउन। फिर थर्ड वाले वार्प पे ये वाले हील्ड की हेल्प से हम ये वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ पे टू डाउन है, फोर अप है, फिर टू डाउन है। फोर्थ वाले कॉलम में ये वाले हील्ड की हेल्प से हम ये वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ थ्री डाउन है, फोर अप है, वन डाउन है, ये हो गया। फिर ये फिफ्थ वाले कॉलम में क्या करेंगे, फिफ्थ वाले हील्ड की हेल्प से ये वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ पे थ्री अप है, फोर डाउन है, वन अप है, थ्री अप, फोर डाउन, वन अप। फिर ये वाले कॉलम में ये वाले हील्ड की हेल्प से हम ये वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ टू अप है, फोर डाउन है, फिर टू अप है, टू अप, फोर डाउन, टू अप। फिर ये वाले कॉलम में क्या करेंगे, ये वाले हील्ड की हेल्प से ये वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ वन डाउन है। फिर ये वाले कॉलम में क्या करेंगे, ये वाले हील्ड की हेल्प से ये वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ पे वन अप है, फोर डाउन है, थ्री अप है, तो वन अप, फोर डाउन, थ्री अप। फिर ये लास्ट वाले कॉलम में लास्ट वाले हील्ड की हेल्प से लास्ट वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ पे फोर डाउन है, फोर अप है, तो फोर डाउन, फोर अप हो गया। तो इस तरह से हमारी व्यू बन गई, ड्राफ्ट बन गया, पैक प्लान बन गया। अभी रह जाता है डेंटिंग ऑर्डर, तो डेंटिंग ऑर्डर हमेशा की तरह भरेंगे। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर फोर की तरफ। यहाँ पे हमने अप एंड डाउन अलग अलग लिया हुआ है, फोर अप टू डाउन, तो फोर प्लस टू सिक्स हो जाता है, सिक्स को टू से डिवाइड करने पे थ्री आ जाता है, थ्री में वन माइनस करेंगे तो टू आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन पिक्स पे हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे और टू पिक्स को मिस करेंगे। तो चलिए फटाफट भरते हैं, ये हो गया टू मिस किया, फिर यहाँ से भरेंगे, फिर टू मिस करेंगे, फिर से टू मिस करेंगे, ये हो गया। अब फोर अप टू डाउन दिखाएंगे। अब आते हैं ड्राफ्ट की तरफ। ड्राफ्ट जैसे भी लास्ट के तीन व्यू में बनाया है वैसे ही बनाएंगे। ये हो गया। अब आते हैं पैक प्लान पे। अब डेंटिंग ऑर्डर भर लेते हैं। ये हो गया। तो इस तरह से व्यू हमारी बन गई है। लास्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर फाइव है, वो भी देख लेते हैं। 32/8, फाइव अप थ्री डाउन, फाइव प्लस थ्री एट हो जाता है, एट को टू से डिवाइड करेंगे तो टेकिंग का वैल्यू फोर हो जाता है, फिर फोर में वन माइनस करेंगे थ्री हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। ये हो गया। अब फाइव अप थ्री डाउन दिखा देते हैं। ये हमारी व्यू बन गई। अब ड्राफ्ट बनाते हैं। अभी पैक प्लान बनाते हैं, व्यू और ड्राफ्ट की हेल्प से पैक प्लान भर लेते हैं। अभी आते हैं डेंटिंग ऑर्डर पे। तो आज की वीडियो में हमने ब्रोकन 12 व्यू सीखा, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके हमने पांच कैलकुलेशन देखी, और फिर उन एरिया में व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखा,